नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। कोरोना महामारी के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन की वजह से आमजन घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से गौवंश सहित अन्य जानवरों को भी भोजन नहीं मिल रहा है और उन्हें पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आवारा पशुओं और जानवरों की इस दयनीय दशा को देख सौजत स्थित गौ सेवार्थ मिशन के संचालक रवि मेवाड़ा और व्यवस्थापक चैन राज टांक ने 1 अप्रैल से गौ सेवार्थ मिशन शुरू करते हुए गौ सेवकों की टीम बनाकर सड़क पर घूमते आवारा गौवंश और अन्य जीवों के लिए चारा और खाने की व्यवस्था शुरू की। इसके तहत टीम के सदस्य रोजाना 1500 से 2000 किलो हरी घास खेतों से खरीद कर सौजत के प्रमुख स्थानों पर जहां आवारा गौवंश का जमावड़ा रहता है वहां पर डालते हैं। साथ ही भामाशाहों से आर्थिक सहयोग लेकर वन्य जीवों के लिए भी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि ये जीव जंतु भी भूखे ना रहें। गौ सेवकों ने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी, जिसमें शहर भर से कई गौ भक्त आर्थिक और शारीरिक रूप से सहयोग कर जीव दया का कार्य कर रहे हैं।